योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राजनीति में 99% लोग बेईमान हैं, इसलिए वे जीवन भर राजनीति से दूर रहकर लोगों की सेवा करेंगे। मगर राजनीति में जब भी कोई बड़ी उथल पुथल होगी तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। जहां तक पाखंडी बाबाओं का सवाल है तो लोगों को चाहिए कि वे इस तरह के बाबाओं के बहकावे में ना आए। रांची में योग सिखाने वाली मुस्लिम लड़की के साथ वायरल हुई तस्वीर पर उन्होंने कहा कि ऐसे सिरफिरे लोग हर महजब में होते हैं। महजब के नाम पर दंगे भड़काना ठीक नहीं है और पत्थर बरसाना सरासर गलत बात है। गुरुकुल के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कोई हो तो आज नो। सच्चे गुरु सदा सदा से युगो युगों से मार्गदर्शक रहे और भारत गुरुओं का ऋषियों का देश रहा है। लेकिन जो भी ढोंग आडंबर पाखंड करने वाले, भगवान के नाम पर पाखंड, धर्म के नाम पर पाखंड, सत्संग के नाम पर पाखंड, जन्म के नाम पर पाखंड, मृत्यु के नाम पर, स्वर्ग में पहुंचाने के नाम पर पाखंड, इतना पाखंड देश में है। और इसके लिए मैं कहता हूं एक बार सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ो, महर्षि दयानंद की शरण में आओ और ये तमाम तरह के ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास इनसे बचो। सच्चे गुरु माता पिता होते हैं, सच्चे गुरु वो होते हैं जिनका चरित्र अच्छा होता है।